हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेस्टी फूड विद नेहा। और कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के साथ फ़िश एग पकौड़ा की रेसिपी शेयर करने वाली हूं। तो आइए फिर शुरू करते हैं। फ़िश एग फ्रेंड्स आपको फ़िश मार्केट में इजीली मिल जाएगा, आप आसानी से वहां से परचेस कर सकते हैं। फ़िश एग बनाने के लिए हमें जो जो चाहिए वो सारा कुछ मैंने यहाँ पर लिख दिया है, आप इसे नोट कर सकते हैं। फ़िश एग बनाना फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है, आप बहुत आसानी से इसे बना सकते हैं। जिस तरह हम पकौड़े तलते हैं प्याज के, बस हमें वैसे ही हमें इसे भी बनाना है। ये देखिए, ये 200 ग्राम फिश एग लिया हुआ है मैंने, इसे मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया है। और अब मैं इसमें एक कप भर के बारीक कटे हुए प्याज डालूंगी। ये देखिए, अब मैं इसमें दो बड़े चम्मच बेसन डालूंगी। अगर कटोरी से नापें तो आधा कटोरी बेसन है ये। अब मैं इसमें हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर डालूंगी, एक टी स्पून गरम मसाला डालूंगी, टेस्ट के अकॉर्डिंग अब हम नमक डालेंगे। आप मैंने इसमें एक टी स्पून नमक लिया है, चार हरी मिर्ची हैं इसे हम बारीक काट करके इसे भी डाल देंगे। ये देखिए, अब हमें करना क्या है फ्रेंड्स, अब हम सबको हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ध्यान रहे, हमें इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, क्योंकि फ़िश एग में ऑलरेडी पानी इतना होता है कि अगर हम इसे मिक्स करेंगे तो वो मिक्स हो जाएगा। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे हमने बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डाला है। अब हम कढ़ाई में तेल गर्म करेंगे और ये देखिए, ये फ़िश एग को हम हाथों में थोड़ा थोड़ा ले करके तेल में डालते जाएंगे। बहुत इजी है फ्रेंड्स इसे बनाना, आप आसानी से अपने घर पे इसे बना सकते हैं और आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो। नॉनवेज खाने वालों के लिए ये बहुत ही अच्छी रेसिपी है फ्रेंड्स, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि जब फ़िश लेने तो जाते हैं पर जब वहाँ जब फ़िश में से फ़िश एग निकलता है तो वो उसे नहीं लेते हैं। लेकिन आप यकीन मानिए, अगर आप उसे ट्राई करते हैं, उसे अपने घर पे बनाते हैं तो वो बहुत अच्छा लगता है खाने में। इसकी आप ग्रेवी भी कर सकते हैं। वैसे तो मैं आपको सिर्फ फ़िश पकौड़े की रेसिपी बता रही हूँ, पर आप चाहें तो इसकी ग्रेवी भी बना सकते हैं। ये देखिए, सारे फ़िश एग पकौड़े हमने बना लिए हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो फ़िश एग पकौड़ा बन करके रेडी है। तो आप इसे अपने घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।